आज हमारे थाना क्षेत्र में रात में आरटीओ तिराहे के पास से चार लोगों का एटीएम बूथ से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके पैसा निकालने वालों का गिरोह पकड़ा गया है और इनके पास से 7 अदद एटीएम कार्ड दूसरे लोगों के मिले हैं और 3000 रुपया भी निकाला हुआ मिला है। 3 चोरी के मोबाइल मिले हैं। ये सब लोग एटीएम बूथ के अंदर पहले से ही पहुंच जाते हैं। जब कोई एटीएम के बारे में कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति अंदर एंटर करता है तो अपना पिन वो एटीएम कार्ड डाल करके जब पिन कोड एंट्री करता है तो पैसा जैसे ही प्रोसेस होने वाला होता है तभी लोग जो बाएं मशीन में सबसे ऊपर वाली बटन होती है उसको दबा देते हैं ताकि फंक्शन पूरा हैंग हो जाता है। उसके बाद फिर लोगों से कहते हैं कि यार एटीएम ख़राब है, बाहर चलो, पैसा नहीं निकल रहा है। तो वो लोग चले जाते हैं तो फिर से उसी बटन को दबा करके फंक्शन शुरू हो जाता है और ये लोग पैसा ले लेते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी करके लोगों का पैसा ये लोग चोरी करते हैं। ये सद्दाम तो जो है गैंग लीडर है, पहले भी पकड़ा गया है, काइंड से पकड़ा गया है और अब दोबारा पकड़ा गया है। अच्छा खासा इन लोगों का गैंग है और अंतर जनपदी गैंग है। प्रतापगढ़ के भी एटीएम चोरों से जो इनकी साजगांठ है वो लोग भी कभी कभी आकर के घटनाओं को अंजाम देते हैं। उस संबंध में विवेचना के दौरान पता लगा कर कार्रवाई की जाएगी।